मैंने बयान सुना था चंपत जी का कि विपक्ष के लोग शांत रहें तो निमंत्रण मिलेगा, मतलब जैसे लग रहा था अहंकार चढ़ के बोल रहा है चंपत राय जी के सर पर। अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, चंपत जी तो मनई है, सामान्य मनई। अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, न रावण से ज्यादा विद्वान है, न रावण से ज्यादा ये संस्कारवान है, न रावण से ज्यादा बाहुबली है, न रावण से ज्यादा तपस्वी है, और न रावण ज्यादा ये पूजा पाठ कर सकते हैं। जब उसका अहंकार नहीं चला तो ये तो छोटे से मनई है, तो इनको भी अहंकार त्याग देना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि विपक्ष शांत रहे तो निमंत्रण देंगे। बता दें आदरणीय पूज्य विद्वान चंपत राय जी, कौन सा विपक्ष का नेता इनके पैर पे जाके गिड़गिड़ा रहा था कि हमें कार्ड दे दो, न्योता दे दो? और क्या राम जी के किसी मंदिर में जाने के लिए या अयोध्या में कहीं जाने के लिए चंपत राय जी का टिकट चाहिए क्या? कोई टिकट लगा के बैठे हैं क्या चंपत राय जी? अरे भाई 22 तारीख को ही प्रभु श्री राम मिलेंगे, 22 के बाद नहीं मिलेंगे क्या? 22 के बाद प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन आम आदमी नहीं कर सकता क्या? हम आम आदमी होने के नाते दर्शन नहीं कर सकते? हमें चंपत राय जी के सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उसको अपनी थैली में धरे हुए देखिए। और प्रभु श्री राम की आस्था सब में है, जो जिस मजहब का है। हमारा मुस्लिम भाई अपने मस्जिद में जाएगा नमाज पढ़ेगा, हिंदू भाई मंदिर में जाएगा, सिख भाई गुरुद्वारे में जाएगा, ईसाई भाई चर्च में जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो मंदिर बन रहा है ये कोई चंपत राय जी अपने निजी संपत्ति से बना रहे हैं, करोड़ों लोगों ने इसमें सहायता की है, अपना समर्पण दिया, किसी ने सार्वजनिक रूप दिया, किसी ने गोपनीय तरीके से दिया, सबने दिया। हमारी पार्टी के भी बहुत लोगों ने, कांग्रेस के बहुत लोगों ने दिया, जिसकी श्रद्धा प्रभु, देखिए प्रभु श्री राम श्रद्धा का विषय है, प्रभु श्री राम हमारे भगवान देवता, वो राजनीति का विषय नहीं है, ये तो भाजपा राजनीति करती है। भाई बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रामनवमी को क्यों नहीं करा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव रहेगा, रामनवमी करा लेते, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था रामनवमी कराते, उससे शुभ मुहूर्त का मिलता। लेकिन आज क्या है, आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव शुरू हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी का जो पूरा भगवान राम का जो भाजपाईकरण होना वो ना हो पाता, वो कर रहे हैं। तीसरी बात, इतना अहंकार, तीसरी बात इतना अहंकार चंपत राय जी को कि शंकराचार्य गण संतगण अपना दंड छत्र लेके ना आए। अरे वो हमारे शोभा है, हमारे शंकराचार्य जी जो हमारे पूज्य साधु संत हैं उनका सम्मान है, आदर है। चंपत राय जी को इतना अहंकार हो गया है कि वो पूज्य शंकराचार्यों के संतों के उनके आदर्श से उनके सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सम्मान के खिलाफ बोल रहे हैं, इतना दिमाग में अहंकार भर गया है। मैं तो क्षमा मांगता हूं शंकराचार्य लोगों से, पूज्य संतों गुरुजनों से, कि अयोध्या का छोटा नागरिक होने के नाते इनकी तरफ से माफी मांग रहा हूं, इन्होंने अपमानित किया आपको, और सुनने में भी आ रहा शंकराचार्य जी लोगों ने मना कर दिया आने से। बहुत लोग कह रहे हैं हम आएंगे नहीं, अब भाई आप मानित करके बुलाएंगे, ठीक है आप मंदिर के कर्ता धरता हैं, देख रेख करने वाले हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन ये आपको हक किसी ने नहीं दिया है। अगर कह दिया जाए कि आपने देश के प्रधानमंत्री को बुलाया है बगैर सुरक्षा बगैर कमांडो का, भाई प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल से आ रहा है ना, मना करते चंपत राय जी कोई कमांडो NSG सुरक्षा नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं जानू चंपत राय जी बड़े ईमानदार हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी संत हैं, सीधे हैं, तपस्वी हैं, तो उनका दंड नहीं आना चाहिए, छत्र नहीं आना चाहिए, आप गुर्रा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, तो हमारे शंकराचार्य पूज्य संतों महंतों का भी प्रोटोकॉल है, उसका पूरा पालन होना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। ये चंपत राय जी का अहंकार है। हमने कहा ना अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है वो, ये अंतर्राष्ट्रीय विद्वान का राष्ट्रीय अहंकार है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।